हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बीकॉम सेमेस्टर वन में बच्चों आपका स्वागत है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन सब्जेक्ट के अंदर कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। ये टॉपिक बच्चों ऑनलाइन स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी हम पूरा ट्राई करेंगे, जितना मैक्सिमम आपको समझा पाऊं उतना हम लोग फाइनल अकाउंट्स में देखेंगे। तो हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। नाउ वी आर टेकिंग इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। सबसे पहले बच्चों फाइनल अकाउंट्स कब प्रिपेयर किया जाता है, उसका एम क्या है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे हम। द मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट एंड दैट फॉर एवरी बिजनेस यू नीड टू नो प्रॉफिट और लॉस, प्रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर टू नो फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी। जनरली बच्चों कोई भी कंपनी बिजनेस करा प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए या फाइनेंशियल पोजीशन ढूंढने के लिए साल के अंत में पीएनएल बैलेंस शीट बनाती है, इट इज नोन एज फाइनल अकाउंट। तो ये पीएनएल और बैलेंस शीट को बच्चों फाइनल अकाउंट के नाम से पहचाना जाता है। द जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑल्सो प्रिपेयर्ड इट्स फाइनल अकाउंट फॉर द सेम रीजन। इसीलिए बच्चों जॉइंट स्टॉक कंपनी प्रॉफिट लॉस फाइंड करने के लिए फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करती है। नाउ इन पैराग्राफ, इन जॉइंट स्टॉक कंपनी वेरियस पार्टीज लाइक शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, बैंक, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट द मनी एंड कंपनी इज मैनेज्ड बाय द फ्यू डायरेक्टर्स दैट फॉर फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर बच्चों बहुत सारी पार्टीज होती है लाइक शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, बैंक, क्रेडिटर। तो इस प्रकार के जो भी पार्टीज है बच्चों कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उसको मैनेज डायरेक्टर्स या फ्यू डायरेक्टर्स करते हैं, जिसके लिए बच्चों फाइनल अकाउंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर इंट्रोडक्शन पार्ट बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनल अकाउंट्स के लिए बच्चों जो स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका मीनिंग देखने जा रहे हैं। द स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ कंपनी एट द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे स्टेटमेंट बच्चों जो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन इंडिकेट करे उसे कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। अब तक बच्चों मेथड्स की बात की जाए तो 12 कॉमर्स से अब तक आपने बहुत सारी मेथड्स फाइनल अकाउंट की पढ़ी है, जिसमें सबसे पहली मेथड है हॉरिजॉन्टल और टी शेप फॉर्म। हॉरिजॉन्टल फॉर्म बच्चों अब आउटडेटेड हो गया है, जो आपको स्टडी में नहीं लेना है, जिसके अंदर आपने ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया था। अभी भी बच्चों सोल प्रोप्राइटर और सिंगल ओनर में और पार्टनरशिप में यही टी सेफ ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट हम लोग यूज करते हैं, पर कंपनी के अंदर बच्चों अब सेकंड मेथड आ गई है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल फॉर्म एज पर 2013 एक्ट। हॉरिजॉन्टल फॉर्म हैज बीन कंप्लीटेड इन 12 कॉमर्स। यहां बच्चों आप देख सकते हो मैंने नोट डाउन किया है, हॉरिजॉन्टल आपने कंप्लीट कर लिया है। सो हियर इन FIBCOM वी हैव टू स्टडी द वर्टिकल फॉर्म व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपनी फॉर एनालिसिस पर्पस। तो बच्चों एनालिसिस के लिए वर्टिकल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हमें यूज करना है। अब बच्चों मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन वर्टिकल फॉर्म एज पर 2013 एक्ट। अब बच्चों 2013 एक्ट में जो आप पीएनएल अकाउंट बनाओगे ट्रेडिंग का इंक्लूजन उसके अंदर ही हो जाएगा। अब बच्चों आपको स्टेटमेंट फॉर्म में वर्क करना है। सबसे पहले पर्टिकुलर नॉट रुपीज, फर्स्ट पॉइंट में बच्चों में लेना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसके अंदर हमें इनकम में लिखना है सेल्स, जिसका कैलकुलेशन नॉट नंबर वन में करना है। सेकंड पॉइंट बच्चों अदर इनकम्स, जिसके अंदर ट्रेडिंग और पीएनएल में क्रेडिट से लिखे हुए इनकम आएगी लाइक इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। फिर यहाँ बच्चों शेयर ट्रांसफर फी या अदर कोई इनकम आपको दी हो तो आप लिख सकते हो। उसके बाद बच्चों इनकम का टोटल होगा, तीन नंबर में हम टोटल रेवेन्यू इनकम लिखेंगे। उसके बाद बच्चों ट्रेडिंग पीएनएल में जो डेबिट साइड खर्चे लिखे जाते हैं वो एक्सपेंसेस आएंगे, उसमें सबसे पहला पॉइंट है ए परचेजेस, उसके बाद आएगा बच्चों बी चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स या फिर स्टॉक कह सकते हैं, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस। उसके बाद थर्ड हेडिंग आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसके अंदर बच्चों वेजेस या हमें फ्रेट लेना है। उसके बाद डी एम्प्लॉइज बेनिफिट्स एक्सपेंसेस, कर्मचारी को फायदा करवाए उसे खर्चे, जिसमें सैलरी एंड वेजेस लेना है बच्चों।
उसके बाद है ई फाइनेंस कॉस्ट, जिसके अंदर डिबेंचर इंटरेस्ट हमें आउटस्टैंडिंग और टोटल दिखाना है। उसके बाद है बच्चों एफ डेप्रिशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, जिसके अंदर बच्चों असेट्स का डेप्रिशिएशन और कोई लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर राइट ऑफ करो तो वो हमें दिखाना। और लास्ट में बच्चों अदर एक्सपेंडिचर, जिसका कोई हेड ना हो बच्चों ऑफिस सैलरी रेगुलर एटसेट्रा एक्सपेंडिचर, वो 9 नंबर में लिखना है। अब बच्चों ये सारे एक्सपेंसेस का आप टोटल करोगे, देन यू रिसीव टोटल एक्सपेंसेस। ऊपर बच्चों 3 नंबर में टोटल इनकम है, उसमें से एक्सपेंसेस लेस करोगे बच्चों तो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3-4। उसमें से हम करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स डिडक्ट करेंगे जो करंट ईयर के प्रॉफिट पे होती है बच्चों, देन वी रिसीव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे हमें बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करना है। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। बच्चों वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लेने जा रहे हैं जो भी पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट देखा बच्चों, तो पीएनएल अकाउंट के अंदर जो भी नोटिंग है, नोटिंग के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, उसकी डिटेल्स क्या है, उसका आपको मैं डिटेल दिखाने जा रहा हूँ। ये बच्चों नॉलेज के लिए, जब आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल करवाऊंगा तो ज्यादा समझ आएगा। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे पहले बच्चों एक नंबर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आपने पहला पॉइंट देखा बच्चों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके अंदर आएगा सबसे पहले सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, इस प्रकार से बच्चों आपको नेट सेल लिखना है। उसके बाद 2 नंबर का हेडिंग था अदर इनकम्स, जिसके अंदर बच्चों ट्रेडिंग और पीएनएल में क्रेडिट साइड आने वाली इनकम, जैसे कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। उसके बाद बच्चों बैड डेट रिकवर्ड, उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, इस प्रकार की इनकम बच्चों सेकेंड हेड में लिखनी है। थर्ड हेडिंग है बच्चों नेट परचेजेस, जिसके अंदर आपको लेना है टोटल परचेजेस माइनस रिटर्न या परचेज रिटर्न इक्वल टू नेट परचेज। उसके बाद बच्चों 4 नंबर में चेंजेस इन स्टॉक, जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का आपको डिफरेंस दिखाना है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसके अंदर डिटेल देखी जाए तो आपको लिखना है वेजेस। उसके बाद आएगा बच्चों कैरेज इनवर्ड फ्रेट एक्सेट्रा, दिस ऑल आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। 6 नंबर में आएगा बच्चों एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिस, जिसके अंदर एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है बच्चों सैलरी। उसके बाद आएगा बोनस कमीशन, इस प्रकार का जो भी कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड या पीएफ, तो दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिस। उसके बाद बच्चों हमें कंटिन्यू करना है, नेक्स्ट वर्किंग नोट आएगी बच्चों 7 नंबर, जिसमें हमें लेना है फाइनेंस कॉस्ट, जिसके अंदर मोस्टली बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड या इंटरेस्ट ऑन लोन कंसिडर होता है, या इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट भी उसके अंदर आता है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट भी उसके अंदर आता है। तो इस प्रकार की डिटेल लोगे बच्चों तो आपको मिलेगा फाइनेंस कॉस्ट, उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन भी आप ले सकते हो बच्चों। 8 नंबर का हेडिंग है डेप्रिशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिसके अंदर आपको जो भी लॉन्ग टर्म असेट्स है बच्चों फिक्स्ड असेट्स लैंड बिल्डिंग प्लान फर्नीचर, उसका डेप्रिशिएशन लेना है। उसके बाद गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क जैसी कोई इंटेंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ करो तो वो लिखना है बच्चों। उसके बाद डिबेंचर डिस्काउंट राइटिंग ऑफ करो बच्चों रिटर्न ऑफ करो, या फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस हो, इन शॉर्ट कोई भी फिक्टिटियस असेट्स रिटर्न ऑफ करो तो यहाँ आपको लिखना है। यस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, दीज ऑल आर कॉल्ड डेप्रिशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग में अदर एक्सपेंसेस, जिसमें तो बच्चों आपको जो ना समझ आए ट्रेडिंग पीएनएल का सारा कर सकते, जैसे कि पोस्टेज स्टेशनरी रेंट, उसके बाद हो गया बच्चों ऑडिट फी, उसके बाद हो गया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, उसके बाद हो गया बच्चों सेल्स एक्सपेंसेस, उसके बाद हो गया बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, उसके बाद जो और कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा याद आए तो यहाँ लिख सकते हो। तो ये हो गया बच्चों आपका प्रोफॉर्मा ऑफ पीएनएल अकाउंट, डिटेल है बच्चों एक बार नोटिंग कर लो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिकली सम्स गिनोगे आपको धीरे धीरे याद रहते जाएगा। अब लेने जा रहे बच्चों हम फाइनल अकाउंट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट एज पर 2013 एक्ट। अब बच्चों बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर करना है 2013 एक्ट में, उसके शेड्यूल 3 भी कहा जाता है। सबसे पहले पर्टिकुलर्स नॉट रुपीज रुपीज, सबसे पहला हेडिंग आएगा बैलेंस शीट में बच्चों इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर सबसे पहला नंबर वन हेड शेयर होल्डर फंड्स, उसके अंदर सब हेड आएगा बच्चों शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को नॉट नंबर वन में आपको दिखाना है। उसके बाद आएगा बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस नॉट नंबर टू, उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज, इसके अंदर बच्चों ए आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके बाद आएगा बी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जिसके अंदर प्रोविडेंट फंड याद रखना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा बच्चों डिबेंचर बैंक लोन, या खाली आपको शॉर्ट में याद रखना है बच्चों, डिटेल में फिर नेक्स्ट में स्लाइड में दिखाने जा रहा हूँ। उसके बाद आएगा 3 नंबर में करंट लायबिलिटी, उसमें आएगा ए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जिसके अंदर मोस्टली बैंक ओवरड्राफ्ट रहता है बच्चों,
बी ट्रेड पेबल्स जिसके अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अब बच्चों कोई भी वस्तु को लिखना हो तो 2013 एक्ट में आपको कंटिन्यूअस हेडिंग के अंदर लिखना है, उसको आप डायरेक्टली नहीं दिखा सकते। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट के अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, उसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू करने जा रहे हैं बच्चों स्लाइड में। सी पॉइंट अदर करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर आएगा बच्चों सबसे पहले आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कोई भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट बाकी हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस, सैलरी एक्सेट्रा। डी आएगा बच्चों शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसके अंदर मोस्टली टैक्स प्रोविजन लेना है और नॉटिंग साथ में दिखा दे जाना है। यहाँ आपको बैलेंस शीट का बच्चों पांच वर्किंग नोट के साथ फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ, यहाँ टोटल जो भी आएगा दैट इज कॉल्ड टोटल लायबिलिटी। उसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट आएगा बैलेंस शीट का, दैट इज कॉल्ड असेट्स। असेट्स में सबसे पहला हेडिंग नॉन करंट असेट्स, उसके अंदर बच्चों सबसे पहला हेडिंग फिक्स्ड असेट्स, जिसको वर्किंग नोट छेड़ में दिखाना है। उसके अंदर बच्चों टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल के अंदर बच्चों फिक्स्ड असेट्स लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी लाइक दैट आएगा। इनटेंजिबल के अंदर आएगा बच्चों गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क, डिटेल में नेक्स्ट में दिखाऊंगा, यहाँ खाली आपको हेडिंग याद रखना है। और बी में आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसका वर्किंग नोट सी1 में होगा। और सी में होगा बच्चों लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, जिसमें इलेक्ट्रिक डिपॉजिट्स आता है, जिसका उपयोग बच्चों प्रैक्टिकली टॉपिक में बहुत कम होता है। डी में आएगा अदर नॉन करंट असेट्स, जैसे कि फिक्टिटियस असेट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डिबेंचर डिस्काउंट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट के अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सेकंड आएगी करंट असेट्स, उसमें ए करंट इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म होता है बच्चों एक साल से कम समय का, उसे करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बी इन्वेंटरीज, जिसके अंदर मोस्टली क्लोजिंग स्टॉक लेना है। सी आएगा बच्चों ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसके अंदर डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद डी आएगा बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके अंदर कैश एंड बैंक का बैलेंस हमें नोटिंग में दिखाना है। और यू में आएगा बच्चों शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, जिसके अंदर बच्चों कोई भी एडवांस रिसीव हुआ हो, जैसे कि प्रीपेड टैक्स हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, कोई भी एडवांस पेमेंट किया हो बच्चों, तो उसको यहाँ लिखना है। अब बच्चों लास्ट में एफ में लिखना है अदर करंट असेट्स, जिसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट असेट्स का बाकी हो, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, स्टेशनरी स्टॉक एक्सेट्रा, आपको यहाँ लिखना है। अब बच्चों अगर आपका सेकेंड टोटल बैलेंस शीट से मैच हो जाए लायबिलिटी से, तो आपका बैलेंस शीट करेक्ट। अब ये बैलेंस शीट की डिटेल बच्चों हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने जा रहे हैं। अब आपको बैलेंस शीट के अंदर जो एक्सपेक्टेड हेड है उसकी डिटेल यहाँ दिखाने जा रहा हूँ मैं। जैसे सबसे पहला हेड है बच्चों शेयर कैपिटल, उसके अंदर क्या क्या है आप देखते जाइए। सबसे पहला ऑथराइज कैपिटल, जिसके अंदर इक्विटी एंड प्रेफरेंस। उसके बाद है बच्चों इश्यूड कैपिटल, जिसके अंदर इक्विटी एंड प्रेफरेंस। उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। उसके बाद है बच्चों सब्सक्राइब्ड और नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, जिसके अंदर इक्विटी प्रेफरेंस, जिसमें से कॉल इन एरिया माइनस करना है। और उसके बाद प्रेफरेंस लेना है बच्चों, उसमें भी आपको कॉल्ड अप वैल्यू लेनी है, कॉल इन एरिया माइनस करना है। तो आप देख सकते हो बच्चों बहुत डिटेल में, पर एज ए स्टूडेंट आपको इतना याद रखना है शेयर कैपिटल इश्यूड आएगी और उसमें से कॉल माइनस होगा। फिर भी बच्चों मैंने यहाँ डिटेल दिखाई है। और उसमें अगर कोई शेयर फोरफिटेड अकाउंट का बैलेंस हो बच्चों तो शेयर कैपिटल में ऐड करना है। इस प्रकार से आपका पहला हेड हुआ शेयर कैपिटल। सेकंड है बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके अंदर बच्चों कौन कौन से रिजर्व आते हैं वो आपको देखना है। सबसे पहले पीएनएल में से जो प्रॉफिट आए वो लिखना है, पीएनएल सरप्लस एज पर पीएनएल। फिर उसमें से अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जैसे कि जनरल रिजर्व में कुछ ले गए, प्रोविडेंट फंड प्रपोज डिविडेंड ले गए, वो डिडक्ट करना है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, उसके अंदर एडिशनल कोई वैल्यू हो तो वो लिखनी है बच्चों, कैपिटल रिजर्व, इन शॉर्ट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जितने रिजर्व हो बच्चों वो सारे रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में लिखना है। अब बच्चों आप लोग एक बार नोटिंग कर लोगे तो बार बार सब में प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा। डिविडेंड इक्वेशन फंड, रिजर्व फंड, वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, लॉस एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल वो डिडक्ट करना है। दिस ऑल आर कॉल्ड इंक्लूडेड इन रिजर्व। इसके बाद बच्चों स्लाइड के अंदर हम लोग और हेडिंग है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसके बाद है बच्चों अगेन पर्टिकुलर रुपीस, रिजर्व के बाद आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में है बच्चों सबसे पहले डिबेंचर एंड मोस्टली लॉन्ग टर्म लोन, जैसे कि बैंक लोन या बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, तो ये सब आइटम को बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोला जाता है। चार नंबर पे आएगा बच्चों अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जैसे कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर,
प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसका बहुत कम यूज होता है बच्चों। पांच नंबर में लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जिसमें मोस्टली प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड, पेंशन फंड, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कर्स सेविंग्स फंड एटसेट्रा वैल्यू आती है। उसके बाद है बच्चों छह नंबर में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर बच्चों शॉर्ट टर्म लोन, जिसमें 12 महीने से कम समय की लोन लेनी है, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट्स, इस प्रकार के पॉइंट्स आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर लेने हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आएगा ट्रेड पेएबल, जिसमें हमें लेना है क्रेडिटर बिल्स पेएबल। आठ नंबर में अदर करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड इनकम, इस प्रकार के पॉइंट आएंगे बच्चों। नौ नंबर में शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड मोस्टली यूज होते हैं। यहाँ बच्चों आपको दिख रहा होगा कि बहुत लंबी प्रोसेस है, इसको समझाना बहुत डिफिकल्ट है, पर अभी आप लोग वीडियो पोस्ट कर करके लिख देना। जैसे बच्चों प्रैक्टिकली आप सब में यूज करोगे आपको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि सारे पॉइंट आपके एग्जाम्पल। चलो अब बच्चों वर्किंग नोट के अंदर असेट्स के अंदर सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं असेट्स में फिक्स्ड असेट्स, टेंजिबल। यू ऑल नो अबाउट द टेंजिबल, जिसे आप देख सकते हो बच्चों। मोस्टली उसके अंदर आता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, व्हीकल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, लीज होल्ड प्रॉपर्टी एटसेट्रा। दीज ऑल आर कॉल्ड फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स। उसके बाद बच्चों फिक्स्ड असेट्स में दूसरा पार्ट आएगा इनटेंजिबल, अदृश्य। मोस्टली ये बच्चों आप गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क जानते हो, पर बीकॉम लेवल पे कॉपीराइट, लाइसेंस फी, सॉफ्टवेयर, फ्रेंचाइजीज, दीज ऑल आर कॉल्ड फिक्स्ड असेट्स इनटेंजिबल। अब उसके बाद आएगा बच्चों नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब इसके अंदर बच्चों बहुत ही बड़ा लंबा लिस्ट है, पर उसमें आपको याद रखना है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, बाकी का लिस्ट आपके सामने बच्चों, शेयर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, डिबेंचर ऑफ अदर कंपनी, इसका यूज बच्चों बहुत कम होता है। तो आपको खाली प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट याद रखना है। 13 नंबर में है लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, जिसके अंदर लोन टू एम्प्लॉय, मोर देन 12 मंथ, कस्टम डिपॉजिट, टेलीफोन डिपॉजिट या इलेक्ट्रिक डिपॉजिट, ये सब आपको लेना है। अब बच्चों बैलेंस शीट के डेटा में नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों 14 नंबर में अदर नॉन करंट असेट्स, जिसके अंदर मोस्टली आपको लेना है डिबेंचर डिस्काउंट, या ऐसा कह सकते हैं लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट कंपेन, या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। उसके बाद है बच्चों करंट इन्वेस्टमेंट, जिसमें 12 महीने से कम समय का कोई भी इन्वेस्टमेंट हो तो आपको करंट इन्वेस्टमेंट में लिखना है, जैसे शेयर और डिबेंचर ऑफ अदर कंपनी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। लेस देन 12 मंथ्स हो बच्चों को खास याद रखना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एनी इन्वेस्टमेंट विच इज लेस देन 12 मंथ। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट हेडिंग इन्वेंटरीज, जिसे शॉर्ट में स्टॉक कहा जाता है। इसके अंदर बच्चों सारे स्टॉक्स आपको लेने हैं, जैसे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ ट्रेड, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स एटसेट्रा, गुड्स इन ट्रांजिट, दीज ऑल आर कॉल इन्वेंटरी। पर मोस्टली बच्चों सब में यूज होता है खाली स्टॉक वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों ट्रेड रिसीवेबल, जिसके अंदर आएंगे दो हैवी वर्ड, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद है बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें दो बैलेंस बच्चों कैश ऑन हैंड एंड बैंक ऑन हैंड या बैंक बैलेंस। ये डिटेल आपको बैलेंस शीट से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है बच्चों, जब प्रैक्टिकली सम करोगे तो बहुत काम लगेगी। अब बच्चों फाइनल अकाउंट के लास्ट दो पॉइंट बचे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, जिसके अंदर बच्चों एक साल से कम समय का कोई भी एडवांस पेमेंट होगा लिखना है, जैसे लोन एडवांसेस, एडवांसेस टू सप्लायर्स, लेस देन 12 मंथ्स खास बच्चों याद रखना है। और उसके बाद है बच्चों लास्ट हेडिंग अदर करंट असेट्स, इसमें भी बच्चों आपको कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, इनकम डिडक्टेड बट नॉट रिसीव्ड हो, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर हो जो रिटर्न ऑफ किया हो बच्चों ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ्स, खाली 12 महीने का याद रखना है, डिबेंचर डिस्काउंट हो बच्चों, रिटर्न ऑफ किया हो वो भी नेक्स्ट 12 मंथ तक का हो,
उसके बाद है बच्चों रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस जो भी नेक्स्ट 12 मंथ का हो, इस प्रकार की डिटेल्स बच्चों आपको अदर करंट एसेट्स के अंदर लेनी है। ये हुआ बच्चों आपका फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट का पूरा डिटेल। कई बच्चों को लग रहा होगा सर इतना सारा याद कैसे रखेंगे, प्रैक्टिकली बच्चों जब आप बैलेंस शीट देखोगे तो बहुत ही कम हेडिंग्स के अंदर डिटेल यूज होती है। तो जब बच्चों इसके बाद में आपको व्हाइट बोर्ड पे दो बेसिक सम करवाऊंगा तो ये सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट में बच्चों हम देखने जा रहे हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपका पहला सम, सम नंबर 7। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहला सम हम लोग टेक्स्ट बुक का लेने जा रहे हैं जिसका नाम है प्राण लिमिटेड। सम नंबर 7 मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। इसका पीडीएफ कॉपी मैंने यहाँ रखा हुआ है, आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक में से भी आप क्वेश्चन समझ सकते हो। प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 फ्रॉम द पर्टिकुलर फर्निश्ड बाय प्राण लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। 2013 के मुताबिक बच्चों में बैलेंस शीट तैयार करना है। लेफ्ट साइड आप देख सकते हो पर्टिकुलर्स में शेयर कैपिटल, कॉलिन एरियर, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, जनरल रिजर्व, सेकंड कॉलम में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, पीएनएल, कैश, डेटर। खाली बच्चों आपको आगे जो पावर पॉइंट में मैंने आपको पूरा थियरी समझा है वो थियरी में से आपको खाली बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार करना है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है मात्र बैलेंस शीट को समझना, और नीचे बच्चों आंसर भी छापा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बच्चों मैं पूरा सम नंबर 7 आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन सम नंबर 7 इलुस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 4034 फाइनेंशियल अकाउंट सब्जेक्ट टॉपिक फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी एज पर 2013 कंपनी एक्ट। आगे बच्चों आपने सारी थियरी समझी, एक एक पीएनएल बैलेंस शीट की डिटेल को मैंने आपको पीपीटी के अंदर लिख के दिया है। सारा वीडियो पोस्ट कर करके आप लोगों ने लिख लिया होगा। बच्चों एक बेसिक क्वेश्चन है उससे मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, पेज नंबर 403 क्वेश्चन नंबर 7। रेडी, टेक्स्ट बुक फुल के बोर कैलसी ले लीजिए। प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 फ्रॉम द पर्टिकुलर फर्निश्ड बाय प्राण लिमिटेड शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। फिर आपके पास डिटेल है बच्चों, आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, सारी डिटेल दी हुई है, शेयर कैपिटल, कॉर्नर एरियर, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, जनरल रिजर्व, लोन फ्रॉम आईडीबीआई, सन्ड्री क्रेडिटर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश ऑन हैंड, डेटर, स्टॉक, गुडविल। ठीक है, चलो बच्चों बैलेंस शीट रेडी है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2009 एज पर 2013 एक्ट। अब बच्चों इसके लिए कंपलसरी मेरे पास दो पेन होनी चाहिए, हेडिंग के साथ लेने जा रहे हैं। सबसे पहला हेडिंग एक नंबर के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसके अंदर बच्चों स्मॉल वन पहला हेडिंग शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर बच्चों स्मॉल ए पहला सबोर्डिनेट हेडिंग शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के अंदर बच्चों आपको लेना होता है इक्विटी कैपिटल, पर यहाँ बच्चों वर्ड लिखा हुआ है शेयर कैपिटल, जिसकी वैल्यू पहले वर्ड में से इनर में लेंगे 750, उसके नीचे है बच्चों कॉल इन ईयर रिजर्व। इस प्रकार से बच्चों एक पॉइंट तो सीधा माइनस करके नेट शेयर कैपिटल आएगी आई थिंक 7,45,000। उसके बाद बच्चों बी हेडिंग लेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके अंदर कोई भी रिजर्व जनरल रिजर्व पीएनएल वर्कमैन एक्सेंट फंड मैं चेक कर रहा हूँ बच्चों। यस, पहली कॉलम में पांचवी लाइन में मुझे दिख रहा है जनरल रिजर्व, जिसकी वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 50,000। उसके बाद कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जिसे हम प्यार से बोलेंगे सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 20,000। उसके बाद मुझे दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीएनएल अकाउंट, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों 65,000। यस, आई थिंक सारे रिजर्व पूरा इसका टोटल करेंगे 50 + 70 + 60 = 130 + 5 = 135 इज द टोटल रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद बच्चों दो नंबर में लेंगे हम नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर सबसे पहले आएगा बच्चों ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर बच्चों मोस्टली आता है बैंक लोन, या फिर ऐसा कह सकते हैं डिबेंचर है। यस, लोन फ्रॉम आईडीआई है, लोन फ्रॉम IDBI इसे बोला जाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। वैल्यू आएगी बच्चों यहाँ 1 lakh। ये हो गया बच्चों आपका बैलेंस शीट का सबसे पहला पार्ट। जस्ट आपको बैलेंस शीट रिफर करनी है बच्चों,
इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर एक शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर स्मॉल है शेयर कैपिटल, बी रिजर्व, फिर दो नंबर में है बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी। अब बच्चों तीन नंबर का हेडिंग देना है मुझे, करंट लायबिलिटी, उसमें स्मॉल ए पहला हेडिंग, ट्रेड पेएबल, और ट्रेड पेएबल के अंदर बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है सन्ड्री क्रेडिटर। यस, सन्ड्री क्रेडिटर जिसकी वैल्यू है बच्चों आई थिंक 150,000। यस, उसके बाद बच्चों मेरे ख्याल से कोई भी पॉइंट बाकी नहीं है। अब मैं लायबिलिटी साइड का टोटल करूं बच्चों तो मेरे ख्याल से टोटल आएगा 11,30,000। आप चेक कर सकते हो बच्चों, यस 11 लाख, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टोटल ऑफ बैलेंस शीट। अब सेकंड टोटल में बच्चों हेडिंग देंगे हम असेट्स, असेट्स के अंदर एक नंबर में आएगा बच्चों नॉन करंट असेट्स, उसमें आएगा ए फिक्स्ड असेट्स, उसमें एक टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल का मीनिंग है जिसे आप देख सकते हो। चलो पहले कॉलम में बच्चों टेंजिबल में आएगा सबसे पहले लॉन्ग टर्म फिक्स्ड असेट्स प्लांट जिसकी वैल्यू है 250, उसके बाद आएगा बच्चों लैंड जिसकी वैल्यू है 220, उसके बाद आएगा बिल्डिंग जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों आई थिंक 2 लाख, उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट लॉस फिनिश्ड आई थिंक 2,24,26,670,000, दिस इज कॉल्ड टेंजिबल असेट्स। दो नंबर में आएगा बच्चों इनटेंजिबल असेट्स, और इनटेंजिबल के अंदर मोस्टली होता है बच्चों डेंजरस गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क, गुडविल मुझे लास्ट लाइन में दिख रही है बच्चों 25,000। अब मेरे ख्याल से बच्चों इसके अंदर आएगा बी हेडिंग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर आएगा बच्चों डेंजरस इन्वेस्टमेंट जो मुझे दिखाई दे रहा है, यस 3 लाख रुपीज आई थिंक। उसके बाद आई थिंक कोई पॉइंट बाकी नहीं है, सब हो गया। अब मुझे लेना है बच्चों एक नंबर के बाद दो नंबर के अंदर करंट असेट्स, उसमें सबसे पहला हेडिंग ए इन्वेंटरीज, जिसके अंदर आएगा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, यस इन्वेंटरीज के अंदर मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है बच्चों 1 लाख, उसके बाद आएगा बी ट्रेड रिसीवेबल जिसके अंदर डेंजरस डेटर, और डेटर में मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों यस वी हैव अ डेटर आई थिंक एग्जैक्टली 10,000, यस मैं नीचे देखते जा रहा हूँ बच्चों सही है। उसके बाद आएगा सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके अंदर मुझे बच्चों कैश और बैंक का बैलेंस दिखाई दे रहा है कैश ऑन हैंड, यस जो मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों आई थिंक 25,000। अब बच्चों मैं इसका टोटल करूं और 11:30 मैच हो जाए तो सम करेक्ट, मैं दोनों टोटल देख लेता हूं बच्चों 745, 135, 1 लाख, उसके बाद 150 एकदम सही है, 11:30 में से बच्चों माइनस करके चेक कर लेता हूं, यस 135 एकदम सही है बच्चों। ये हो गया बैलेंस शीट का फर्स्ट टोटल। तो बच्चों फर्स्ट लेक्चर के अंदर मेरा टारगेट था आपको सबसे पहले पूरा पीएनएल बैलेंस शीट उसका फॉर्मेट समझाना बच्चों, और उसके बाद देख सकते हो एक अद्भुत सम आपके सामने है जिसमें मैंने मात्र बैलेंस शीट बनाई। वीडियो पॉज करके बच्चों पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वी आर टेकिंग सम नंबर 14 बच्चों, जिसका नाम है रौनक लिमिटेड। From the following particulars of Ronak Limited, prepare balance sheet as per Schedule 3 or 2013 है। अब बच्चों आपको एक balance sheet दिखाई दे रही है, debit credit में सारी information है, share capital से लेके creditor तक। Additional information में बच्चों 6 adjustment है, 6 adjustment के अंदर जो भी information है मात्र knowledge के लिए है, जिसका उपयोग आपको मात्र additional information के तौर पे करना है। जैसे पहला पॉइंट है 4,000 equity shares were issued for consideration other than cash, ये आपको share capital में खाली noting करना है। सेकेंड है बच्चों डेटर ऑफ 1,04,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, ये डेटर की इन्फॉर्मेशन है, 1,04,000 आपको 6 महीने से ज्यादा समय के हैं। उसके बाद बच्चों असेट्स की कॉस्ट है, जो आपको बैलेंस शीट में जो असेट्स है उसके ब्रैकेट में कॉस्ट प्राइस दिखानी है। फोर्थ नंबर का पॉइंट है बच्चों लोन ऑफ 3 लाख, जिसके अंदर एक्रूड इंटरेस्ट 15,000 है। एक्रूड इंटरेस्ट आपको बच्चों लोन या नॉन करंट लायबिलिटी में निकला है, तो 15,000 इंटरेस्ट निकाल के आपको अदर
लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी के अंदर अदर लायबिलिटी में लिखना है। और पांच और छह नंबर के अंदर है बच्चों बिल्स रिसीवेबल एंड कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट, जो कंप्लीट हो रहा है जून 19 के बाद, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। तो इसको बच्चों एक वर्किंग नोट में दिखाना है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पूरा क्वेश्चन में बच्चों व्हाइट बोर्ड के अंदर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी के चार या पांच साल में दो या तीन बार ये आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14। ये पीडीएफ कॉपी बच्चों आप फोटो ले सकते हो या इसकी अमाउंट लिख सकते हो, और अगर आप सुधीर प्रकाशन की टेक्स्ट बुक हो तो उसमें से भी ये सम लिख सकते हो। होमवर्क में आपको सुधीर की बुक में से 9 नंबर का सम करना है। और यूट्यूब की लिंक के अंदर बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका वीडियो लिंक भी पीडीएफ कॉपी का रखा हुआ है। चलो अब बच्चों लेने जा रहे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 414। 100% एग्जाम के लिए कह सकते हैं। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना। From the following particular furnished by Ronak Limited, prepare the balance sheet as on 31st March 2019 as required by Schedule 3 of the Company Act. फिर आपके पास एक ट्रायल बैलेंस शीट है बच्चों, नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट रीड कर रहा हूँ बच्चों, खाली बैलेंस शीट बनावा नीचे। 4000 इक्विटी शेयर वेर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, डेटर ऑफ 1,04,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, कॉस्ट ऑफ असेट्स आर गिवन। और फिर बैलेंस ऑफ लोन 3 लाख है जिसके अंदर कुछ प्लांट एंड मशीनरी का ब्याज है। बिल्स रिसीवेबल 550 मैच्योरिंग एंड 30 एंड 19। कंपनी हैड ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इरेक्शन ऑफ मशीनरी 3 लाख। बहुत सारे एडजस्टमेंट है बच्चों, मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने का। ये टॉपिक सही बता रहा हूँ मैं, ऑनलाइन के लिए है नहीं, फिर भी हम पूरा ट्राई कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। चलो सबसे पहले बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019, इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें सबसे पहला हेडिंग शेयर होल्डर फंड्स, उसके अंदर सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले आएगा इक्विटी कैपिटल, जिसकी वैल्यू है बच्चों 20 लाख, जो मैंने इनर कॉलम में लिखी है। अब उसके नीचे ही मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों कॉल इन एरियर्स, ट्रायल बैलेंस शीट की सेकेंड लाइन, जिसमें से कॉल इन एरियर माइनस करोगे बच्चों तो नेट वैल्यू आएगी 19,98,000, आंसर में मैच हो जाती है। पर एडजस्टमेंट नंबर वन में बोला है बच्चों 4000 शेयर्स वेर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो इसके अंदर खाली डिटेल दिखा देनी है। एडजस्टमेंट वन 4000 शेयर अदर देन कैश, ये मात्र इंफॉर्मेशन है बच्चों, इसकी कोई असर आगे कहीं होगी नहीं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लेने जा रहा हूं मैं, दो नंबर के अंदर बी रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसके अंदर जो जो आपको रिजर्व लिखे वो मुझे लिखवा दे, जो मैं पढ़ रहा हूँ, लैंड बिल्डिंग नहीं, प्लांट नहीं, फर्नीचर नहीं, जनरल रिजर्व, यस जीआर की वैल्यू है बच्चों आई थिंक 4,20,000। उसके बाद बच्चों जीआर के बाद प्रोविजन फॉर टैक्स एडवांसेस, पीएनएल अकाउंट सरप्लस, यस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मुझे दिख रहा है बच्चों, पीएनएल सरप्लस जिसकी वैल्यू है 2 लाख, यस ये लिखा बच्चों 2 लाख। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर कैश कुछ भी नहीं दिख रहा है बच्चों, मैं लास्ट तक चेक कराऊँ तो स्टॉक रिजर्व मेरे ख्याल से सब कुछ आ गया। एडजस्टमेंट के अंदर कोई पॉइंट है, मैं देख लेता हूँ बच्चों, यस रिजर्व एंड सरप्लस है 593,400, यस 6,20,000। अब बच्चों पहले जो सिस्टम थी वो अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे सम के अंदर दिख रहा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 26,600। पहले नियम था बच्चों कि रिजर्व या प्रॉफिट इनकम है उसमें से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ कर सकते हो, तो उन्होंने नए नियम के मुताबिक नहीं पर पुराने नियम के मुताबिक इसमें से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लेस किया। दूसरा ऑप्शन ये है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इसमें से माइनस ना करो, उसकी जगह पे बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाओ, ठीक है। तो दोनों टेक्निक सही है बच्चों, पर ये बुक के अंदर रिजर्व में से खर्च लेस किया हुआ है तो वो भी वैलिड है, ठीक है। तो आपको दुख ना हो और बुक का आंसर मैच हो इसलिए बच्चों मैं ऐसे लेस कर रहा हूं, बाकी बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाओगे तो भी चलेगा। लेस एडजस्टमेंट में से नहीं पर ट्रायल बैलेंस शीट में से लिया प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 26,600, जैसे माइनस करोगे 593,400 इज द मैजिकल फिगर ऑफ रिजर्व। ये हो गया बच्चा रिजर्व एंड सरप्लस। सेकेंड में मुझे लेना है बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें आएगा ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है सबसे पहले लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
लोन फ्रॉम स्टेट बैंक जिसकी वैल्यू है बच्चों 3 लैक्स, ये लिखा। उसके बाद बच्चों मुझे नीचे दिख रहा है लोन अनसिक्योर्ड, यस उसे भी हमें लॉन्ग टर्म बोरो इसमें लेना है। लोन अनसिक्योर्ड जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 2,42,000, टोटल करोगे 542। पर जैसे बच्चों मेरा ध्यान गया एडजस्टमेंट नंबर 4 में, एडजस्टमेंट 4 ध्यान, अब जो मैं असर देने जा रहा हूँ बच्चों चौथो वालो, द बैलेंस ऑफ 3 लैक्स लोन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस सिक्योर्ड बाय हाइपोथेकेशन प्लांट मशीन इनक्लूड 15,000 इंटरेस्ट एक्रूड। इसके अंदर बच्चों इंटरेस्ट एक्रूड चढ़ेलू वैल्यू दूजे नए नियम के मुताबिक 2013 बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर बच्चों इंटरेस्ट ना लगाए तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर से अक्रूड इंटरेस्ट इंक्लूड है 3 लैक्स के अंदर, कितना इंक्लूड है 15,000, ये माइनस करके बच्चों नेट वैल्यू बाहर रखूंगा वो आएगी 5,27,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15,000 आप 3 लाख में से लेस करो तो भी चलेगा बच्चों, यस थोड़ा कट हो रहा है मैं वीडियो को ऊपर ले रहा हूँ बच्चों, यस 3 लाख में से लेस करो तो भी चलेगा, या फिर टोटल किया है वैसे ही 542 टोटल करो और उसमें से माइनस करोगे तो भी मेरे ख्याल से चलेगा। आप देख सकते हो बच्चों एकदम आराम से वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों सफर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, यस थोड़ा इसको ऊपर लिख रहा हूँ बच्चों जिससे अगर आपको दिख ना रहा हो वीडियो में क्योंकि स्क्रीन की लिमिटेशंस होती है, यस 527 10 गया 30 32 में 5 गया 27। चलो उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लेना है मुझे 3 नंबर, इसको थोड़ा मैं इस तरफ ले लेता हूँ, करंट लायबिलिटीज उसके अंदर ए ट्रेड पेबल, और ट्रेड पेबल के अंदर बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है सबसे पहले आएगा सन्ड्री क्रेडिटर, लास्ट लाइन में दिख रहा है बच्चों मुझे छेलिटी ट्रायल बैलेंस शीट सन्ड्री क्रेडिटर जिसकी वैल्यू है मेरे ख्याल से 4 लैक्स, ये टपकाया। उसके बाद बी अदर करंट लायबिलिटी, उसमें बच्चों जो आपने अक्रूड इंटरेस्ट 15,000 निकाल दिया उसको यहां लिखा जाता है अक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन 15,000, यस। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आएगा सी शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर बच्चों कोई भी प्रपोज डिविडेंड या टैक्स प्रोविजन हो तो आपको लिखना, यस प्रपोज डिविडेंड है, यस सम के मिडल में ट्रायल बैलेंस शीट के मिडल में मुझे दिख रहा है प्रपोज डिविडेंड जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 1,20,000 एन ए शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहवाए। ये बच्चों जैसे जैसे बैलेंस शीट याद रखोगे वैसे ही समझ आएगा। उसके बाद आई थिंक प्रोविजन फॉर टैक्स है, यस कहीं बीच में प्रोविजन फॉर टैक्स 1,36,000 वो भी इसमें आएगा, यस 1,36,000 टोटल होगा मेरे ख्याल से 2,56,000, यस एकदम सही है। ये बच्चों आपका बैलेंस शीट का पहला पड़ाव पूरा हुआ, मैं टोटल चेक कर लूँ बच्चों, यस 19,90,8,593,400,5,27,000 2,56,000 37,89,400 इज द मैजिकल फिगर ऑफ फर्स्ट बैलेंस शीट। ये कहां से आया बच्चों ध्यान रखना, एडजस्टमेंट 4, ठीक है। अब बैलेंस शीट का बच्चों बहुत ही डिफिकल्ट है बोर्ड पे आना, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग लेने जा रहा हूँ मैं असेट्स, उसमें सबसे पहले नॉन करंट असेट्स, उसमें स्मॉल आई टेंजिबल, अरे सॉरी पहले आएगा बच्चों मेरे ख्याल से फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स के अंदर टेंजिबल याद ना रहे सीधा फिक्स असेट लिखो तो भी चलता है। टेंजिबल के अंदर बच्चों अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ ट्रायल बैलेंस शीट में मुझे दिख रहा है सबसे पहले लैंड जिसकी वैल्यू है बच्चों 4 लाख, उसके बाद है बिल्डिंग जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है 7 लाख, उसके बाद है प्लांट मशीनरी जिसकी वैल्यू ट्रायल बैलेंस शीट में लग जो 10,50 पहली 4 लाइन, फर्नीचर जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों आई थिंक 1 लाख, उसके बाद जनरल रिजर्व लोन ये सब नहीं आएगा मेरे ख्याल से, हो गया
और लास्ट में बच्चों कोई पॉइंट है? कोई भी पॉइंट नहीं है। अब मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट नंबर थ्री पे, त्रीजो हवालो, ध्यान देना बच्चों, एडजस्टमेंट थ्री, द बैलेंस कॉस्ट ऑफ असेट्स, हो असेट्स की कॉस्ट दी है तो आपको पता होगा ये जो बुक वैल्यू और कॉस्ट है उसके बीच में क्या होगा, डेप्रिसिएशन। तो एडजस्टमेंट थ्री में जो कॉस्ट है वो आपको खाली ब्रैकेट में लिखनी है, कॉस्ट बोलो तो बोले 8 लाख, तो बीच में क्या होगा, डेप्रिसिएशन। कॉस्ट बोलो प्लांट एंड मशीनरी 14 लाख, ये खाली ब्रैकेट में लिखनी है। उसके बाद फर्नीचर कॉस्ट बोलो 1,25,000, खाली ब्रैकेट में लिखनी है। अब बच्चों इसका टोटल बाहर रखेंगे, 14 और 10 24, 25,50,000 होना चाहिए। मैं आंसर चेक कर लूँ बच्चों, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स टेंजिबल 22,50 है बच्चों, 7 और 4 11 10 21 और 22,50, मेरी टोटल में गलती थी। चलो अब बच्चों इस तरफ लेंगे, सेकेंड हेडिंग इनटेंजिबल, इनटेंजिबल के अंदर मोस्टली आता है बच्चों गुडविल। अब चेक करें क्या इनटेंजिबल है, इनटेंजिबल में मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, ठीक है, जनरली क्या आता है तो बोले गुडविल। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नहीं है, कुछ भी नहीं है बच्चों। तो अब मैं सीधा लेने जा रहा हूँ दो नंबर करंट असेट्स, उसमें आएगा ए इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज के अंदर बच्चों यस मुझे दिखाई दे रहा है स्टॉक्स, स्टॉक के अंदर बच्चों फिनिश गुड्स और दूसरा है रॉ मटेरियल, ठीक है, 4 लाख 1 लाख, डिटेल ना दिखाओ डायरेक्ट लिखो तो भी चलेगा, पर यहाँ डिटेल दिखा दी मैंने, ठीक है। चलो अब उसके बाद आएगा बच्चों मेरे ख्याल से ट्रेड रिसीवेबल, दो व्यापारी लेना, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या आता है बच्चों, डेटर बी आर, डेटर बी आर, डेटर बोलो। अब डेटर की वैल्यू है बच्चों बैलेंस शीट के अंदर डेटर है सन्ड्री डेटर 4 लाख, ये लिखा। अब उसके अंदर गपला है बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर डेटर माटे रीडिंग करूँ छू, हवाला नंबर 2 एडजस्टमेंट 2, ध्यान देखना, डेटर ऑफ 1,04,000 ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, ये जो डेटर हमने ट्रायल बैलेंस शीट में से लिए इसमें बच्चों 1,04,000 के डेटर मोर देन 6 मंथ है, तो इसमें मोर देन 6 मंथ कितना है, 1,04,000, ध्यान से देखना बच्चों, मोर देन 6 मंथ 1,04,000, तो लेस देन 6 मंथ कितना होगा, 4 लाख में से 1 लाख गया, 3 लाख, 3 लाख में से 4 लाख गया, 2,96,000। पहले टुकमा ये हमें सिग्नल दे रहा है बच्चों कि डेटर के पास से अगर आपको पैसे लेने हो तो ये 1,04,000 6 महीने से ऊपर पैसे बाकी है और ये 6 महीने से कम समय के बाकी है। आगे जाते हैं बच्चों, उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कहीं भी बिल्स रिसीवेबल है, यस बिल्स रिसीवेबल एडजस्टमेंट में, पर वो इससे रिलेटेड नहीं है मेरे ख्याल से, एडजस्टमेंट पूरा हुआ बच्चों, ये 4 लाख रुपए मैं यही रख देता हूँ। चलो उसके बाद सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके अंदर लेना है बच्चों हमें कैश बैलेंस, क्या कैश बैलेंस है, यस कैश एट कैश बैलेंस दिख रहा है मुझे, कैश बैलेंस जिसकी वैल्यू है बच्चों आई थिंक 60,000, कैश एट बैंक, कैश अने बैंक, ये वैल्यू मुझे दिख रही है ट्रायल बैलेंस शीट में बच्चों 4,94,000, टोटल करोगे 494 प्लस 60 तो मेरे ख्याल से आएगा 5,54,000। और उसके बाद बच्चों लास्ट में रहा डी पॉइंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। अब देखो तो बच्चों सम के अंदर कोई शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस है, यस मुझे एडवांसेस दिखाई दे रहा है बच्चों, एडवांसेस आपेलू छे 85,500। उसके बाद एडवांस के अंदर बच्चों मेरे ख्याल से कोई पॉइंट नहीं है, इसको भी बाहर रख दे, यस। अब बच्चों इसका अगर टोटल करे और वो टोटल 37,89,400 से मैच हो जाए बच्चों तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, टेंजिबल असेट्स 22,50 सही है, इन्वेंटरी 5 लाख सही है, ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख सही है, कैश एंड कैश इक्वल 554 एकदम सही है, और उसके बाद बच्चों एडवांसेस भी सही है। तो ये हो गया बच्चों आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का फेवरेट सम, मैंने पूरा ट्राई किया कि बोर्ड पर दिखाई दे, ठीक है, जिससे आपको कोई भी लॉस ना हो, एकदम आराम से वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन करने से पहले
एक एडजस्टमेंट रह गया, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसको बैलेंस शीट में नहीं लिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब उसके लिए मुझे बैलेंस शीट का पार्ट रब करना है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लेना, मैं इतना पार्ट बैलेंस शीट का रब कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, उसे बोला जाता है नॉट कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। याद है कुछ किसी को? जो लायबिलिटी का पेमेंट बच्चों फ्यूचर में करना हो, भविष्य में यदि चुकवाना है बच्चों, उसे बोला जाता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, फ्यूचर लायबिलिटी, संशयित देऊ। एडजस्टमेंट वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया। एडजस्टमेंट फाइव, बिल्स रिसीवेबल ऑफ 550 मैच्योरिंग ऑन 30 जून 2019। हम अकाउंट बना रहे 31 मार्च तक के, 30 जून को मैच्योर रहने वाले, तो उसे बोला जाता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। BR मैच्योर्ड 30/6/19, ये डेट के कारण वैल्यू आएगी बच्चों 5,50,000। उसके बाद 6 नंबर, द कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इरेक्शन ऑफ मशीनरी 3 लैक्स विच इज स्टिल अनकम्प्लीट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मशीनरी विच इज नॉट कंप्लीट, जो कंप्लीट नहीं है बच्चों, कब कंप्लीट होने वाला है वो लिखा नहीं है, यानी इनकम्प्लीट, यानी ये भी फ्यूचर से रिलेटेड हुई। 8,50,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट्स। यस, अब आंसर में देख सकते हो बच्चों पेज नंबर 414 पे, ये हो गया आपका बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 5 और 6। ये कहां से लिया मैंने? एडजस्टमेंट 5 और 6 की वैल्यू ऊपर से बच्चों सॉल्व हुआ। ये हो गया बच्चों आपको दो अफलातून साम पीएनएल बैलेंस शीट की पूरी थियरी बच्चों। ये पूरा लेक्चर बेसिक है, उसमें ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है बच्चों। अच्छी तरह तैयारी कीजिए बच्चों और नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्फिडेंस के साथ ज्वाइन हो जाइए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन for notifications.